टाइगर 3 के टीजर के बाद अब फिल्म का एक्शन पैक ट्रेलर भी हो गया है आउट। वेल यस, जिस पल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था अब वो आ गया है। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 के ट्रेलर की एक्शन से भरपूर झलक लोगों को इस कदर दीवानी कर गई है कि ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। यही नहीं, इस ट्रेलर को एक और बड़ा खिताब भी मिला है जिससे पर्दा उठेगा हमारी इस स्टोरी में और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा भी करेंगे। टाइगर 3 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है जिसे लेकर लोगों की एक्साइटमेंट पहले ही काफी तेज है, पर अब इसे एक और स्टेप ऊपर ले जाते हुए मेकर्स ने फिल्म का एक्शन पैक ट्रेलर किया है लॉन्च, जिसमें टाइगर और जोया का लुक फैंस का दिल जीत रहा है। वहीं ट्रेलर में इमरान हाशमी भी नजर आए हैं जिन्हें फिल्म में एक विलन के रोल के लिए किया गया है रोप इन। इस ट्रेलर की स्टार्ट एक फीमेल के वॉइस के साथ होती है, फिर बाइक पर धमाकेदार स्टंट करते हुए सलमान की एंट्री दिखाई गई है। टाइगर 3 में इस बार टाइगर का सब कुछ दांव पर लगा है क्योंकि टाइगर को अपने देश और फैमिली के बीच में किसी एक को चुनना है और इसकी झलक ट्रेलर में आई है नजर। ट्रेलर में सलमान का आतिशबाजी तुमने शुरू की है डायलॉग लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है और जिसे एक यूजर ने ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी का खिताब दे दिया। जी हाँ, फिल्म के ट्रेलर पर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, नो वन कैन स्टॉप सलमान खान दिस टाइम टू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड्स एट द बॉक्स ऑफिस, टाइगर इज कमिंग टू सेट द न्यू बेंचमार्क। एक दूसरे यूजर ने लिखा, लुक्स लाइक कैटरीना इज गोना सिंग सांवरिया। तो टाइगर के फैंस ने कॉमेंट किया, सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्केल एंड सॉन्ग्स, इमरान स्क्रीन प्रेजेंस, पावर पैक डायलॉग्स एंड अबव ऑल टाइगर इज फायर, कम्प्लीटली सोल्ड टू मनीष शर्मास वर्ल्ड ऑफ टाइगर। वैसे इससे पहले फिल्म के टीजर को भी इस तरह का रिस्पॉन्स मिल चुका है। ये टाइगर फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म है जिसे डायरेक्ट मनीष शर्मा ने किया और लिखा आदित्य चोपड़ा ने है। टाइगर 3 नवंबर 12 को रिलीज हो रही है और फिल्म में SRK के कैमियो को लेकर भी खूब हाइप है, हालांकि उससे जुड़ी डिटेल्स अभी अंडर रैप्स ही है। खैर, फिल्म के ट्रेलर ने श्योरली फैंस को फिल्म देखने के लिए एक्साइट किया है जो दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर एक धमाका साबित होगी।